Hey guys, this is Rajesh here and this is the third part of the solid state chemistry class 12 जिसमें हम लोग crystal lattice के बारे में पढ़ेंगे और further on detail करेंगे और ये जो lecture है उसमें ending में हम लोग इस ending lecture के ending तक हम लोग 14 brevis lattices तक के बारे में पढ़ लेंगे ठीक है I hope you are liking my videos and if you are liking it then please like, share and subscribe तो चलिए शुरू करते हैं आपका सबसे पहला टॉपिक है crystal lattice and space lattice क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल तो देखते हैं यूनिट सेल कहते किसको ठीक है तो देखिए अब थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल लैटिस को बोलते हैं कैसे किसी भी पॉइंट के 3D अरेंजमेंट को मतलब जो भी हम लोग का जो पॉइंट होता है डॉट होता है जो स्फेयर होता है उसको अगर हम 3 डायमेंशन में अरेंज कर देंगे तो जो फिगर मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं ठीक है क्रिस्टल लैटिस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है तो देखिए तीन कैरेक्टरिस्टिक होता है ये आपको जानना पड़ेगा पहला ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट मान लो कि आपको एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस दे दिया गया ठीक है क्यूबिक ऐसा करके कोई क्रिस्टल लैटिस दे दिया गया तो ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में जो हर एक पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं लैटिस पॉइंट बोलते हैं एलपी लैटिस पॉइंट बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका मान लो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है इसमें हर एक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग पार्टिकल लैटिस पॉइंट तो बोलते हैं तो ये सारे किसको रिप्रेजेंट करता है वो किसी एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है तीसरा लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाय स्ट्रेट लाइंस टुगेदर टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लाइन जाहिर से बात है कि ये जितने भी लैटिस पॉइंट होते हैं जैसे देखिए आपका ये क्यूब बना इसमें ये जो लैटिस पॉइंट्स हुआ इसको हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन करते हैं और जो शेप बनता है उसी को हम लोग 3D शेप को ही क्रिस्टल लैटिस कहते हैं ठीक है अब यूनिट सेल किसको बोलते हैं तो क्रिस्टल लैटिस तो पढ़ा कि 3D अरेंजमेंट कोई भी गोला है उसको 3D में अरेंज कर दो तो आपको क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा यूनिट सेल किसको बोलेंगे देखो यूनिट सेल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है लैटिस पॉइंट का जो जनरेट करता है होल लैटिस को देखो आपको ये फिगर से समझ में आएगा आप क्या करो ना ये फिगर को देखो देखो ये फिगर तो ये फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आपको डॉट डॉट जो दिख रहा है ये सब क्या क्रिस्टल लैटिस पॉइंट है चलो तो इसमें लैटिस पॉइंट कौन हुआ ये जो मैंने मार्क करके रखा है रेड रेड ये क्या हो गया आपका लैटिस पॉइंट हो गया अब ये लैटिस पॉइंट आपको दिख रहा सारा स्ट्रेट लाइन से जुड़ा हुआ तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक था हर एक लैटिस पॉइंट किसको डिनोट करता है एक पार्टिकल को डिनोट करता है तो चलो ये भी मेरे को पता चल गया अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है इस पूरे स्ट्रक्चर में इस पार्ट पर आप गौर कीजिए ये आपको एक जो छोटा सा क्यूब दिखा रहा है इसको हम लोग यूनिट सेल बनेंगे यूनिट सेल कैसे यूनिट में नहीं कहेंगे वो सेल जिसको अगर हम लोग रिपीट करते जाए तो एक पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा ये जो स्ट्रक्चर बना है वैसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं ठीक है यूनिट सेल दो प्रकार के हो सकते हैं कौन कौन दो प्रकार के हो सकते हैं तो चलिए देखें यूनिट सेल आपको दो प्रकार के हो सकते हैं एक 2 डायमेंशन में हो सकते हैं 2D में और एक 3 डायमेंशन में हो सकते हैं मतलब 3D में तो 2 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट 5 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि 2 डायमेंशनल में 5 लैटिस पॉइंट होते हैं और 3 डायमेंशनल में 14 लैटिस पॉइंट होते हैं 14 आगे जाकर के हम लोग देखेंगे 5 और 14 कैसे कैसे ये लैटिस पॉइंट्स होते हैं ठीक है चलिए हाँ तो हम लोग 2D लैटिस के बारे में पढ़ रहे थे 2D लैटिस कितने होते हैं स्टूडेंट्स 2D लैटिस 5 होते हैं और 3D लैटिस कितने होते हैं 3D लैटिस आपके 14 होते हैं अब देखते हैं ये 5 कैसे कैसे होते हैं देखो आपको इसमें ये डॉट डॉट जो दिख रहा है ना ये आपका लैटिस पॉइंट्स है ठीक है ये लैटिस पॉइंट्स हमेशा ये कैरेक्टरिस्टिक में हमने मैंने तुम लोग को पढ़ाया कि ये लैटिस पॉइंट को तुम सिर्फ स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन कर सकते हो कोई कर्व लाइन से इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो ठीक है अब देखो इसको हम लोग 5 तरीके से 2D में ज्वाइन कर सकते हैं लैटिस पॉइंट को तो पहला प्रकार का लैटिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल लैटिस ठीक है अब देखो हेक्सागोनल किसको होता है अगर तुम्हारा ऑपोजिट साइड इक्वल है देखो इसमें ऑपोजिट साइड क्या है इक्वल ये बराबर ये ईश्वर आपने दिया हुआ ये बराबर ये है ये बराबर ये है ठीक है तो अगर आपका ऑपोजिट साइड इक्वल है प्लस अपोजिट साइड इक्वल होने के अलावा अगर दो लेंथ और ब्रेथ के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो उस 2D लैटिस को हम लोग हेक्सागोनल लैटिस बोलेंगे क्लियर है क्या करना है आपको अपोजिट साइड इक्वल करना है और एंगल कितने चाहिए लेंथ और ब्रेथ के बीच में 60 डिग्री देन दैट 2D लैटिस इज नोन एज हेक्सागोनल लैटिस क्लियर है सेकंड आता है
रेक्टेंगुलर लेटिस। रेक्टेंगुलर लेटिस किसको बोलेंगे? देखिए इसमें होना क्या चाहिए, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल प्लस हर एक एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो लेटिस पॉइंट्स या वो क्रिस्टल लेटिस जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल है प्लस हर एक एंगल 90 डिग्री है, दैट 2D लेटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर लेटिस बोलते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर में आता है आपका स्क्वायर लेटिस। स्क्वायर लेटिस किसे कहते हैं, जिसमें स्क्वायर लेटिस में क्या होगा ना कि आपका सारा साइड इक्वल होगा, ठीक है, और प्लस सारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वो क्रिस्टल लेटिस जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो उस 2D क्रिस्टल लेटिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर लेटिस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोम्बिक लेटिस में। तो देखो रोम्बिक लेटिस किसको बोलेंगे, रोम्बिक, रोम्बस सुने हो ना, रोम्बस में क्या होता है, बस चार साइड इक्वल होता है, एंगल का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो वो 2D लेटिस जिसमें सारा साइड इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बिक लेटिस पॉइंट बोलते हैं। द लास्ट वन इज पैरेललोग्राम लेटिस। पैरेललोग्राम में क्या करना है, बस आपको अपोजिट साइड इक्वल करना है और प्लस अपोजिट एंगल्स क्या करना है, इक्वल करना है। तो वो क्रिस्टल लेटिस जिसमें ओरिजिनल साइड्स इक्वल होते हैं प्लस ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, वैसे क्रिस्टल लेटिस को हम लोग, 2D लेटिस को हम लोग पैरेललोग्राम लेटिस कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि पांच प्रकार का 2D होता है, स्क्वायर, सारा साइड इक्वल, सारा एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगुलर, ऑपोजिट साइड इक्वल, सारा एंगल 90 डिग्री, पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड इक्वल और अपोजिट एंगल्स इक्वल और अपोजिट साइड भी इक्वल, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में क्या था जी आपका, अपोजिट साइड इक्वल प्लस एंगल 60 डिग्री, रोम्बिक में क्या था, सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। चलिए अब आते हैं यूनिट सेल। हमने पढ़ा ना कि यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो जैसा हम लोग पढ़ रहे थे कि जो लेटिस होते हैं क्रिस्टल लेटिस वो 2D भी होते हैं और 3D भी होते हैं, और हमने अब तक देखा कि 2D पांच होते हैं, कौन कौन, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है और हेक्सागोनल होता है, पांचों का प्रॉपर्टी पढ़ा। अब देखिए यूनिट सेल किस किस प्रकार के हो सकते हैं, वो यूनिट सेल जिसमें सारा लेटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर्स पर होता है, या A unit cell that does not contain any interior lattice point. वो unit cell, वो 3D arrangement of atoms जिसमें atom सिर्फ corners पर हो। देखो cube ही याद करो, कुछ भी चीज़ हो ना तो आप cube को सिर्फ imagine कर लो। देखो मैं एक बना रहा हूँ figure, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक लेटिस, ठीक है, क्यूब है इसलिए क्या बोलेंगे, क्यूबिक लेटिस। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पर हो, कहाँ पर हो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर, आठ कॉर्नर होते हैं ना, तो वैसा लेटिस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, वैसा यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं, वो लेटिस, वो क्रिस्टल लेटिस जिसमें एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, आठों कॉर्नर पर आपका फिक्स है, होगा ही होगा, प्लस एटम्स के अंदर भी होंगे, ठीक है, जैसे या हो गया फेस के सेंटर के पास हो सकता है, या हो सकता है एज के सेंटर में हो गया, या हो सकता है बॉडी सेंटर में हो, तो वैसे यूनिट सेल को हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3D लेटिस में। तो 3D लेटिस किसको बोलेंगे, देखो 3D लेटिस में आपका लेंथ होगा, आपका ब्रेथ होगा और आपका एक हाइट होगा, तीन चीज होगा, ठीक है। जैसे आपको एक बना करके दिखाता हूँ 3D लेटिस, तो 3D लेटिस का एक फिगर है ये, देखिए सपोज दैट ये क्यूबिक, पूरा चैप्टर में आपको सिर्फ क्यूब ही क्यूब पढ़ना है, ठीक है, देखते हैं। देखो तो ये जो हो गया, कलर चेंज कर लेते हम लोग, चलिए कलर तो चेंज हो गया। तो ये जो आपको मान लो ये लेंथ है, ये मान लिया ब्रेथ है, और ये मान लिया क्या है, हाइट है। तो 3D लेटिस में देखो क्या क्या पैरामीटर्स होता है, 6 पैरामीटर्स होते हैं, पहला लेंथ, दूसरा ब्रेथ और तीसरा हाइट। अब लेंथ और ब्रेथ के बीच में मान लेते हैं एंगल अल्फा है, ठीक है, और उसके बीच में एंगल बीटा है, और ये तीसरा एंगल जो है वो क्या है, गामा है। लेंथ ब्रेथ के बीच में एंगल अल्फा, ब्रेथ और हाइट के बीच में एंगल बीटा, और लेंथ और हाइट के बीच में गामा। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, टीचर तुम लोग का स्कूल के टीचर बताए या ना बताए, आपको फोकस रहता है, आपको डिटेल में पढ़ना है कि 3D लेटिस के कितने पैरामीटर्स होते हैं। मैंने 3D लेटिस को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो 6 पैरामीटर्स हमको चाहिए, कौन कौन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, अल्फा जो कि लेंथ और ब्रेथ के बीच में हाइट है, बीटा जो कि ब्रेथ और हाइट के बीच में एंगल है, और गामा, 6 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो ये तो हम लोग को देख ही लिया कि अल्फा, बीटा, गामा, ये देखिए आपको जो फिगर दिख रहा है, किसी को भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक हो, बस ये याद रखना है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट चाहिए और अल्फा, बीटा और गामा चाहिए, जो कि आपको इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 2D में कितने क्रिस्टल लेटिस होते हैं, तो 2D में 5 क्रिस्टल लेटिस होते थे, कितने होते थे 5। 3D में कितने क्रिस्टल लेटिस होते हैं 7, दो बढ़ गया। ठीक है, क्लियरली याद रखोगे 2D में 5 क्रिस्टल लेटिस होते हैं, 3D में कितने होते हैं 7 क्रिस्टल लेटिस होते हैं। तो अब आते हैं, चलिए शुरू करते हैं कि क्या है। तो चलिए हम लोग क्या थे कि 3D लेटिस में कितने लेटिस होते हैं जी, वो 7 क्रिस्टल लेटिस होते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसमें भी दो प्रकार का था ना जी, आपको 2D लेटिस दो प्रकार का था, कौन कौन, एक था प्रिमिटिव जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर होता था, और एक था आपका सेंटर्ड जिसमें कॉर्नर्स के अलावा अंदर भी लेटिस के एटम्स हो सकते हैं। तो ये जो यूनिट्स है 3D में वो तीन प्रकार के हो सकते हैं या चार प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं, हो सकते हैं कौन कौन, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में सेम चीज कि एटम्स जो है वो कहाँ पर होगा, आपके कॉर्नर्स पर होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे, जिसमें एटम सिर्फ कहाँ पर हो, कॉर्नर्स पर हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। सेकंड है आपका फेस सेंटर, तो देखिए फेस सेंटर किसको बोलते हैं, फेस सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा आपका, कॉर्नर्स के अलावा, कलर चेंज करके देखते हैं, हाँ कॉर्नर्स के अलावा आपके फेस के सेंटर में भी होगा। ये देखिए ये फेस का सेंटर है। अच्छा देखिए, ये बनाने से पहले मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको फेस आता है, चलिए नहीं भी आता तो चले फेस के बारे में, पहले क्यूब के बारे में जानते हैं, क्यूब एक्चुअली होता क्या है। एक अच्छा सा सुंदर सा क्यूब बना लेते हैं पहले, ये आपका क्यूब बन गया, ये रहा आपका क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब में देखिए कॉर्नर्स किसको बोलते हैं, तो देखिए कॉर्नर्स आपका क्या है, कॉर्नर्स ये 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, आपको 8 कॉर्नर्स उम्मीद है दिख रहा होगा, ये 6 7 8, ये तो हो गए 8 कॉर्नर। अब फेस कितना होता है, देखो ऊपर वाला फेस ये हुआ 1, और फेस का भी कलर चेंज करते हैं, चलिए फेस का कलर ग्रीन करते हैं। चलिए तो फेस में हम लोग देखते हैं, तो फेस में ये एक आपका हुआ 1 फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर, ये तीसरा, ये नीचे वाला चौथा, ये आगे वाला पांचवा, और ये पीछे वाला हो जाएगा आपका छठा। तो फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। अब आते हैं एज कितने होते हैं, ठीक है तो देखते हैं एज कितने होते हैं, एज आपके 12 होते हैं। तो चलिए देखते हैं एज कैसे 12 होते हैं, ये 1, ये आपको दिखा 2, ये 3, ये 4, आप ऊपर के रेक्टेंगल के 4 लाइन आपको दिख गया होगा, चलिए ठीक उसी प्रकार नीचे भी 4 लाइन होगा, 4 रेक्टेंगल, 8 आपको दिख गया होगा, 4 पिलर, 9 10 11 और ये 12, तो 12 एज होते हैं। तो एज का सेंटर भी कितना होगा जी, एज का सेंटर भी आपका 12 ही होगा, ये आपका 1 एज का सेंटर हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, तो एज सेंटर भी कितने होंगे आपके, 12 होंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो जितना मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ ये वेन नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। आप पक्का अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम पर्सनली भी बता देंगे, तो बस अगर ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट करें कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया। तो चलिए प्रिमिटिव में क्या था जी, तो प्रिमिटिव में क्या था, हम लोग बताए थे प्रिमिटिव में एटम सिर्फ कहाँ पर होगा, एटम सिर्फ कॉर्नर पर होगा। सेंटर्ड में क्या होगा, फेस सेंटर में, कि एटम कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, फेस के सेंटर्स पर भी होगा, देखिए ये फेस का सेंटर्स पर। अच्छा तीसरा होता है आपका बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि एटम तो कॉर्नर पे होगा ही होगा, इसके अलावा बॉडी के सेंटर में, देखो मान के चल रहा है, बार बार एक ही फिगर में नहीं बनाऊंगा, मान के चल रहे हैं कि एटम्स कॉर्नर पर है, पक्का रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर भी रहेगा, तो उसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा जो है आपको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आपको स्कूल वाले नहीं बताएंगे। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं, देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल उसको बोलते हैं जिसमें एक आप क्या ले लो, आप एक क्यूब पहले ले लो, चलिए पहले क्यूब बना लेते हैं। अब ये क्यूब में एंड सेंटर्ड किसको बोलेंगे, तो देखो कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस, या तो देखो इसको माना एक, तो इसका ऑपोजिट फेस क्या होगा, नीचे वाला, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि अगर इसको ऑपोजिट फेस माना तो ये वाला, या आगे वाले को आप माने तो पीछे वाले, ठीक है, तो वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल आपको ये फिगर में अच्छे से दिख रहा हो कि देखिए एक ये ऊपर वाला है, तो ये एक नीचे वाला है, जो क्रॉस क्रॉस बना के रखा है, तो वो यूनिट सेल जिसमें ऑपोजिट फेस सेंटर पर एटम हो,
वो यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था ना कि आप लोग को कितने प्रकार के ब्रेवस लेटिसेस होते हैं, वो 14 प्रकार के ब्रेवस लेटिसेस होते हैं 3D में। 2D में कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज, कभी आप 5 बोलते हो, कभी 7 बोलते हो, कभी 14 बोलते हो, तो बच्चों आप ध्यान दे वर्ड क्या बोल रहे हैं। क्रिस्टल लेटिस और एक ब्रेवस लेटिस, दोनों के बीच में अंतर है। क्रिस्टल लेटिस 2D में 5, 3D में 7। अब वो 7 खुद डिवाइडेड है कुछ कुछ कैटेगरीज में, देखते हैं कैसे। देखिए, टोटल आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि 7 ही है, 1, 2, 3, पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हेक्सागोनल, पांचवा ट्राइगोनल, छठा मोनोक्लिनिक और सातवां ट्राइक्लिनिक। ये 7 है, लेकिन ये 7 खुद में डिवाइडेड, देखिए तीन एक कैसे है, क्यूबिक प्रिमिटिव में भी पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड में भी, फेस सेंटर्ड, मतलब इसमें 3, इधर 2 5, इधर 4 9, एक 10, एक 11, 2 13, एक 14, तो ये 14 मिलाकर के आपका होता है ब्रेवस लेटिसेस, ठीक है। तो ये यहीं तक हम लोग करते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया। इसके बाद का जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड के क्वेश्चंस या SA1 के क्वेश्चंस बनेंगे, ये इसके बाद से बनेंगे। इसके बाद जो है आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए, शेयर जरूर करें, आप इसको अपने में सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।